2023 की शुरुआत कई सियासी और दिलचस्प तस्वीरों के साथ हुई थी। अब साल 2023 अपने अंतिम पड़ाव पर है और लगता है कि साल के आखिर में भी तस्वीरें बड़ी ही दिलचस्प होगी। राजस्थान में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा लेकर आ पहुंचे हैं हम दौसा की बांदीकुई विधानसभा सीट पर। दौसा राजस्थान का पूर्वी हिस्सा जिसके अंदर सियासत का पावर केंद्र माना जाता है। सभी सीटों पर परिणाम हमेशा चौंकाने वाले और एक बार बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला मुख्य मुकाबला देखा जाता है, लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि कुछ ही ये कह सकते हैं एक से डेढ़ महीने में चुनाव होने हैं, 23 नवंबर को चुनाव होंगे। चुनाव से पहले क्या तस्वीरें हैं, चुनावी मुद्दे क्या हैं, उन पर बातचीत के लिए, क्योंकि पिछले 20 सालों की अगर बांदीकुई विधानसभा सीट की बात कर ले, चारों बार ही यानी कि 20 सालों में अलग अलग मौका दिया गया अलग अलग पार्टी को। पहले बसपा को मौका दिया, निर्दलीय को मौका दिया, फिर भाजपा को मौका दिया और फिर कांग्रेस को मौका दिया। 2018 में कांग्रेस के विधायक यहाँ पर आए, गजराज खटाना। लेकिन अब क्या तस्वीर होगी 2023 में बांदीकुई के विधानसभा चुनावों में, क्या तस्वीर रहने वाली है, चुनावी मुद्दे कितने पूरे हुए अब तक और कितने रह गए अधूरे, कौन से काम थे जिनको लेकर जनता अभी तक उम्मीद की राह तक रही है, उन्हीं मुद्दों पर बातचीत के लिए पहुंचे हैं हम दौसा की बांदीकुई विधानसभा सीट पर। राजस्थान में विधानसभा चुनावों का जो बिगुल है वो बज चुका है, कह सकता है राजस्थान में इस बार 2023 का जो चुनाव है वो हाईटेक होने वाला है। बहुत सी ऐसी तस्वीरें, बहुत सी ऐसी दिलचस्प बातें जो इस चुनावों में हमें नजर आने वाली है, लेकिन दौसा के बांदीकुई विधानसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। लगभग हर क्षेत्र में जाने का जो प्रयास है वो फर्स्ट इंडिया ने किया है और हर जगह पर आम जनता की क्या कुछ मांग थी, MLA का क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड था, उसको भी खंगाला है। क्योंकि दौसा की बांदीकुई सीट की बात हम कर ले, डिंपल आपने जैसा बताया कि पिछले 20 सालों में यहाँ पर हर 5 साल में सत्ता बदली है, विधायक की रिपीट नहीं हुई, हर बार एक नए को मौका मिला, चाहे वो बसपा की बात हो जो 2003 में यहाँ पर थी, 2008 में यहाँ पर निर्दलीय को मौका मिला, 2013 में यहाँ पर भाजपा को और 2018 में यहाँ पर कांग्रेस को। ऐसा आखिर क्यों हुआ? कोई जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, या फिर जो जनता की उम्मीदें थी वो यहाँ पर पूरी नहीं कर पाया, इसलिए जनता ने स्प्लिट किया और वापस किसी नए को मौका दिया। बात यहाँ पर शुरुआत भाजपा से ही कर लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि भाजपा के पास जब मौका था उसके बाद कांग्रेस को यहाँ पर मौका मिला? क्या भाजपा वो काम नहीं करवा पाई कि जनता वापस से भाजपा को चुनती? भाजपा ने हमेशा काम किया है और भाजपा हमेशा से इस क्षेत्र में काम करती आई है, किंतु कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ जाति फैक्टर होते हैं, उससे कई बार चेंज हो जाता है। लेकिन इस बार परिवर्तन की लहर है, भारतीय जनता पार्टी पुनः इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व जो है लहरा रही है। और भाजपा की जो पहली मांग थी कि हमारे यहाँ एक जो है लोकल आदमी हो, स्थानीय आदमी हो, जवान हो, युवा हो, काम कर सके, और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ टिकट दे के खरा किया है, खरा समझा है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट इंडिया को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने सबसे पहले 41 की जो सूची थी वो पूरे इंडिया में सबसे पहले सूची को जो है इन्होंने डिक्लेयर किया और हमें बड़ी खुशी है। चलिए बात यहाँ पर कर लेते हैं। बात मैंने की थी कि भाजपा को वापस मौका नहीं मिला, क्या उसका सच में कारण जो है वो एंटी इनकम्बेंसी है, जातीय समीकरण ही है? क्या विकास की कोई भूमिका नहीं है कि यहाँ पर भाजपा ने कितना कुछ कार्य किया था या कितना कुछ नहीं किया था, इसलिए जनता ने वापस मौका नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा ने यहाँ बहुत कार्य किए थे, लेकिन बिल्कुल इन्होंने, मेरे बड़े भाई ने सही कहा कि थोड़ी जातिवाद के फैक्टर से थोड़ा सा, क्योंकि दो व्यक्ति एक ही कास्ट के खड़े हो गए इसलिए वो जीती। बाकी कांग्रेस ने ऐसा यहाँ कोई काम नहीं किया। कांग्रेस यहाँ पर जब चुनाव लड़ने आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे में पानी देंगे, लेकिन पूरे 5 साल निकलने के बाद भी आज बांदीकुई में 12 से 13 घंटे में पानी आ रहा है, वो भी खारा आ रहा है। चलिए, शो की शुरुआत है, शो में आगे पूछेंगे जरूर कि मौजूदा विधायक ने क्या कुछ काम किया और क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिलहाल भाजपा से सिर्फ एक सवाल। जब भाजपा यहाँ पर थी, सत्ता में थी, उस समय भाजपा राजस्थान में भी सत्ता में थी, कौन से ऐसे काम है जो यहाँ पर भाजपा ने करवाया और जनता से वोट की अपील वो उन कामों पर अब इस बार करें? भाजपा ने यहाँ हमारे क्षेत्र में बहुत काम कराए और हमेशा भाजपा का यहाँ वर्चस्व रहा है और कांग्रेस का हमने देखा है, कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है। मेरे दो सवाल आपसे हैं, पहला तो ये कि भाजपा ने क्या काम किया और दूसरा ये कि कांग्रेस जिन उम्मीदों पर आई थी, जिन वादों पर आई थी, क्या वो पूरे हुए? देखिए, भाजपा ने बहुत अच्छा कार्य किया। अभी हमारे जो रोड हाईवे जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में जारी हुआ, केंद्र सरकार ने किया,
दूसरा भारतीय जनता पार्टी की पुरानी जो योजनाएं थी वो काफ़ी साकार योजनाएं रही है और उन्हीं योजनाओं को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। बाकी ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं ही डेवलपमेंट में आई हैं। और हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो अभी इससे पहले जो कास्टिज्म है, जातिवाद है, कहीं ना कहीं पिछली बार सेक्टर जातिवाद का बहुत फर्क पड़ता है टिकटों में, और ऐसा पड़े नहीं पड़े इसको पता नहीं है। जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें तो कहा है कि कांग्रेस ने काम किया नहीं किया, वो हर जगह गिनाते हैं। ओवरऑल विकास की बात की जाए, बांदीकुई में विकास कितना हुआ है? बांदीकुई में विकास को लेकर मैं बता दूं आपको, हमने 4.5 साल के अंदर हमारे जो विधायक जियाजी खटाना साहब द्वारा है, चाहे शिक्षा के स्तर पर देख लो, चाहे आप क्या नाम है शिक्षा के स्तर स्वास्थ्य के पे देख लो, उसके बाद में क्या नाम है सड़क के देख लो, और कोई सा भी विकास हो हमने पूरे किए। जो अपने फेस्टिवल था चुनाव में, जो हमने जनता से वादे किए, उन वादों से भी हमने 2 गुना का ज़्यादा काम कर दिए। समथिंग मैं बता दूं आपको कि पूरे बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2000 करोड़, जिसमें ईसर का प्रोजेक्ट शामिल है, और इनोल बांदीकुई शहर 500 करोड़ रुपए का हम लोगों ने काम किया है। पूरे बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में कहीं रोड कच्चा नहीं है। दूसरा, जहाँ एक कॉलेज हुआ करती थी वहाँ आज 4 कॉलेज हमारे बांदीकुई विधान है। जो महिला कॉलेज 3 दिन हमने घुड़ा कटला है, बसवा है, बांदीकुई है, और राजेश पायलट ने जो कॉलेज खुलवाई थी 4 हमने कॉलेज खुलवा दी। इसके अलावा बांदीकुई में विकास हुआ पिछले 5 सालों में, लेकिन अब बात कर लेते हैं क्या ऐसे चुनावी वादे कमज़ोर थे, वादे उतने पक्के नहीं थे कि 2018 से पहले कांग्रेस को अपनी जमीन पक्की करने में यहाँ पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। 2018 से पहले 15 सालों में क्यों नहीं आ पाई यहाँ पर कांग्रेस? अब से पहले जितने भी कांग्रेस के कैंडिडेट आए वहाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कांग्रेस का कोई कैंडिडेट था उनने जो हम वादे किए क्षेत्र की जनता से वो शायद वो पूरा नहीं कर पाए। मैं आज वर्तमान जो हमारे विधायक साहब हैं उनके कामों के लिए बारे में आपको बताना चाहूँगा। अभी मेरे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि यहाँ बीजेपी ने बहुत विकास कराया, यदि यहाँ बीजेपी ने विकास कराया होता तो बांदीकुई का आज बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती, लेकिन ये केवल वादे कर सकता है बीजेपी पार्टी, काम ये नहीं करा सकती। हमारे यहाँ एक कॉलेज थी, आज 4 कॉलेज हैं। सबसे बड़ी जो क्षेत्र का विकास की बात होती है वो रोड, हमारा बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र टॉप 10 विधानसभा क्षेत्रों में आता है रोडों के विकास के बारे में। पानी के लिए ईसरदा का पानी यहाँ बांदीकुई में आएगा, हर नल में 2400 घंटे पानी मिलेगा, और ये बीजेपी के साथी यहाँ खड़े हैं। 2013 से 2018 तक ईसरदा बांध के लिए केवल 1 रुपया इन्होंने नहीं लगाया। देखिए, दो चीजें हैं, एक तरफ कहा गया कि सत्ता विरोधी लहर के चलते अलग अलग चेहरों को मौका दिया गया, और एक तरफ ये कहा जा रहा है कांग्रेस से कि पिछले उससे पहले 15 सालों में काम नहीं देख पाई थी जनता, इसलिए जनता ने वोट कांग्रेस को नहीं दिया। अगर आम जनता से पूछना चाहे आम जन क्या कहता है, यहाँ पर वोट हर पार्टी को यहाँ पर दिया है, लेकिन काम कौन सी पार्टी ने किया, और 2023 के चुनाव भी सामने, क्या मानते कौन कितना पानी? मैडम, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बांदीकुई आज से नहीं अंग्रेजों के टाइम से रेल नगरी रही है, और यहाँ पे सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले बांदीकुई से और आगरा के बीच में जो रेल नगरी वो आई थी, रेल यहीं आई थी। आज कम से कम 500 बीघा ज़मीन ऐसी है रेल के पास, जो कोई ऐसा एमएलए आया ही नहीं, न कांग्रेस का न बीजेपी का, जिन्होंने यहाँ पे विकास किया। यहाँ पे उल्टी इसको जो पे इतना यहाँ पे DRM ऑफिस था, यहाँ पे ब्लॉको सेट था, सब उजड़ गया। उससे पहले बसपा आता है यहाँ पे, उससे पहले बसपा और निर्दलीय भी थे यहाँ पर, ने कोई काम नहीं किया कोई सी भी पार्टी ने। जब भी इसी वजह से कभी कांग्रेस का आ जाता है उसको चांस देते हैं, देखो भाई कांग्रेस वाले कर दे, कभी बीजेपी का आ जाता है देखो इसको चांस देते हैं, पर अभी तक बांदीकुई में उजाड़ के अलावा कुछ नहीं हुआ। 10 सालों में भी नहीं मानते? मैं कह रहा हूँ 40 साल 30 साल से मैं देखता आ रहा हूँ यहाँ पे, जब से मेरी उम्र हुई है, आज मेरी 55 साल की उम्र होगी, मैं देख रहा हूँ बांदीकुई में उजाड़ के अलावा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कोई MLA आते हैं 5 साल पूरा करके चले जाते हैं, ऐसा यहाँ पे पुड़िया के काम थे बाजार में, मेन बाजार में जो हमेशा 24 घंटे आधा घंटा भी ट्रैफिक बंद हो जाए, यहाँ पर पुड़िया बंद हो जाती है तो साहब यहाँ लैंड लग जाती है दोनों साइड, एक एक किलोमीटर की लैंड। तृप्ति, जनता असल बात कहती है कि कितने ही कार्यकाल यहाँ पर बदले हों, अलग अलग विधायक आए हों, लेकिन काम यहाँ पर किसी भी पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस के समर्थक आप हैं, 5 सालों में 2018 में जब कांग्रेस को मौका मिला तब भी जनता के पास ये मौका क्यों है कहने का कि यहाँ पर विकास नहीं है, बांदीकुई उजाड़ हो रहा है एकदम? देखिए, बांदीकुई विकास के नाम में इन पिछले 5 सालों में, और मैं तो ये कहूँगा जब जब कांग्रेस की सरकार यहाँ आई बेहतरीन विकास कार्य हुए, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, चाहे चिकित्सा के में लीजिए, सड़कों के क्षेत्र में लीजिए, और आप, मैं ये गर्व से और दावे से कह सकता हूँ कि कांग्रेस के टाइम में कॉलेजों में 1 से 4 कॉलेज हुई, यहाँ लोग बागों को
जैसे राजस्थान सरकार की जितनी भी जनहित की योजनाएं हैं बेहतरीन तरीके से बांदीकुई क्षेत्र में लागू की जा रही हैं और पब्लिक उनका फायदा उठा रही है। अभी बीजेपी के बंधु बोल रहे थे, मैं कहता हूं इनके जितने बार एमएलए रहे या इनके सांसद रहे, बांदीकुई के नाम पे एक भी विकास कार्य गिन के बता दें, हम गिना सकते हैं। दो तरफा बातें हैं तृप्ति, एक तरफ से कुछ और बात सामने आती है और दूसरी तरफ से कुछ और बात सामने आती है, और तीसरा विकल्प जो कि जनता है, थर्ड फैक्टर, और जनता ही सब डिसाइड करती है कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी, और वो फैसला भी इस बार साल के आखिर में हो जाएगा। लेकिन अभी जिन मुद्दों पर बात हो रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि बांदीकुई में विकास की गंगा बहाई है कांग्रेस ने, दूसरी तरफ जनता कह रही है दोनों ही पार्टियों ने काम नहीं किया, और इससे पहले भाजपा कह रही है कि जब भाजपा का यहाँ पर कार्यकाल था तब काम काफी हुआ था, लेकिन जातिगत समीकरण सत्ता विरोधी लहर के चलते दूसरी पार्टियों पर स्विच करती आई है जनता, हकीकत क्या है? यहाँ पर लगातार जब बात की जा रही थी तो यहाँ पर भाजपा के लिए भी जनता कहती है कि जब भाजपा का कार्यकाल था तो यहाँ पर काम नहीं हुआ, क्या कहेंगे? विगत 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा एक जो जय दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निकला, उसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र बांदीकुई से होकर गुजरा। बांदीकुई में उसका स्लाइड डाउन द्वारापुरा में भी हम देने जा रहे हैं। अब इसके अलावा रेल नगरी की जो भाई साहब बात कर रहे थे, यदि रेल नगरी का वैभव पुनः लौटने की दिशा में बढ़ रहा है तो वो अभी बढ़ पा रहा है। अभी लगभग 20 से 30 करोड़ के विकास कार्य आगामी 3 महीनों के अंदर रेलवे कॉलोनी में होने जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय इसी समय में हमने खुलवाया है और अभी पूरा 500 बीघा का जो क्षेत्र है, उस 500 बीघा के क्षेत्र में हम एक पूरी की पूरी केंद्र सरकार की एक प्रोजेक्ट के तहत रेल यूनिवर्सिटी यहाँ पे डेवलप। चलिए, सवाल मेरा वापस भाजपा से यही होने वाला है कि जब लगातार भाजपा यहाँ पर इतने काम करवा रही थी, जो कि अभी उन्होंने कुछ ही गिनवाए, आप जरा और गिनवा दीजिए कि कितने काम यहाँ पर और भाजपा ने किए हैं, तो जनता आखिर इस बार भाजपा को वोट क्यों दे? कौन सी ऐसी उम्मीद देंगे जनता को? भाजपा ने बहुत सारे काम किए, जैसे गिनवा दीजिए, जैसे रोड का मेन काम रोड का किया है, रेलवे का करने को जा रही है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंतर्गत जितने भी सड़कें बनी हैं इन 5 साल में, वो ग्रामीण प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बनी है। बातचीत जब की जा रही है तो लगातार एक ही चीज को उद्देश्य जो पार्टियां हैं, जो पार्टी समर्थक है, वो दे रहे हैं कि उनकी पार्टी ने कितना कुछ काम किया और जनता आखिर उन्हें वोट क्यों दे। तो उन्हीं बातों को लेकर यहाँ पर भाजपा ने भी कहा कि भाई उनके कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे बनाने की बात हो या फिर जो रेल की बात यहाँ पर अभी एक आमजन ने की थी कि बांदीकुई रेल को लेकर मशहूर था, लेकिन उसी को लेकर भाजपा कहती है कि उसको लेकर भी आगामी अभी काम और होने हैं, केंद्र विद्यालय भी खुलने हैं। देखिए, बिल्कुल भाजपा से तो आपने बात की तृप्ति, लेकिन अब जरा कांग्रेस से जान लेते हैं, ऐसे कौन से यहाँ पर अगर मैं कोई 3 काम पूछूं बांदीकुई में हुए हैं, जनता भी उन कामों को सुनेगी और विपक्षी पार्टी भी उस चीज को सुनेगी, बताइए कौन से काम? देखो मैं बताता हूँ, मोटे मोटे काम जो होते हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड। शिक्षा के बारे में बात करें तो यहाँ पहले सदियों से एक कॉलेज था, बच्चे गाँव से बहुत डिस्टेंस में यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, आज यहाँ 3-3 और कॉलेजों का निर्माण हो गया, आवानेरी, बांदीकुई, जहाँ बालिकाओं को बहुत समस्या होती थी, कॉलेज नहीं था पढ़ने के लिए, आज बालिका कॉलेज भी हो गया है यहाँ पे। उसके बाद अपन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में यहाँ बहुत ही एक छोटा हॉस्पिटल था, वहाँ डॉक्टरों की भी बहुत कमी थी, उसके लिए आज उपजिला हॉस्पिटल हो गया, 41 करोड़ रुपए की बिल्डिंग सैंक्शन हो गई, उसका निर्माण चल रहा है, उपजिला हॉस्पिटल होने से आज यहाँ 32 डॉक्टर है। और कौन से मुद्दे हैं यहाँ के बांदीकुई के जिसको लेकर कह सकते हैं कांग्रेस का पलड़ा भारी या भाजपा का पलड़ा भारी? पलड़ा तो कांग्रेस का भारी है, लेकिन चुनावी मुद्दे हैं जो हावी हैं। पहले नंबर यहाँ पानी नहीं है, यहाँ फाटक की समस्या है, मेन मुद्दे पर तो आते नहीं है। कह सकते हैं कुछ चीजें हुई और कुछ अधूरी रह गई तृप्ति, अलग अलग चीजें हैं जो निकल कर सामने आ रही है। कहीं ये कहा जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पानी और बिजली, इन 5 मुद्दों पर काम हुआ है और ये मूलभूत सुविधाओं में आती है, इन पर काम होना जरूरी भी हो जाता है, लेकिन मुद्दे असल में क्या है? क्या वाकई यहाँ पर जातिगत समीकरण ही तय करता है कि जीत किसकी होगी, सत्ता में कौन बैठेगा, या फिर वोटिंग से पहले वो जो चुनावी मुद्दे करके सत्ता में बैठने का वादा करते हैं और कहते हैं कि इन मुद्दों पर काम होगा, वो मुद्दे कितने पूरे हो जाते हैं? मानते हैं कुछ प्रतिशत जनता ऐसी होती है जो जातिगत समीकरण को देख के वोट देती होगी, लेकिन कुछ ऐसी भी होती होगी जहां कहा जाता है कि 24 घंटे पानी आएगा, 24 घंटे बिजली आएगी, वो पानी और बिजली के मुद्दे पर भी वोट डालकर आती है, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद वो वादे कितने पूरे हो जाते हैं? बिल्कुल डिंपल, आपने सही कहा कि जातिगत समीकरण को लेकर वोट कितने पड़ते हैं वो अलग तस्वीर है, लेकिन जनता विकास भी तो देखती है। ऐसा तो नहीं है कि जनता सिर्फ जाति को देखकर वोट दे दे और फिर पूरा जो
कार्यकाल है उस टाइम पर वो उन उम्मीदों को लेकर बैठी रहे जो शायद उनसे कही गई थी कि पूरे हो जाएंगे। जनता माई बाप है, सब जानती है और सारी बातों को देख कर वोट देती है। कितने काम यहाँ पर कांग्रेस समर्थकों ने गिनवाए और कितने यहाँ पर भाजपा ने गिनवाए, सारी बातों को हमने जाना। लेकिन अब जान लेते हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है, कौन से ऐसे इनके सपने हैं, इनकी मांगे हैं जो अधूरी है, अछूती है और इनसे वादा किया गया था कि पूरी जरूर होगी लेकिन नहीं हो पाई। ब्रेक के बाद वही सब जानते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दौसा की बांदीकुई विधानसभा सीट पर फर्स्ट इंडिया की टीम इस वक्त मौजूद है। लगातार वो मुद्दे, अभी तक चुनावी मुद्दों पर बातचीत हो रही थी। पिछले 20 सालों में हार जीत का समीकरण क्या था, कौन हारा कौन जीता, किसका पलड़ा भारी था और किसका हल्का था, राजनीतिक समीकरणों पर भी चर्चा हुई। लेकिन अब बात उन मुद्दों पर कर लेते हैं जो आमजन के मुद्दे हैं। भले ही राजनीतिक पार्टी से यहाँ पर समर्थक मौजूद है, भाजपा से भी होंगे, कांग्रेस से भी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये बांदीकुई की आमजन भी है, बांदीकुई की जनता भी है। पार्टियों से ऊपर उठ के अब जरा वो मुद्दे जान लेते हैं जो आमजन के तौर पर समर्थक किसी के भी हो, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, आगे विधायक भाजपा का बने या कांग्रेस का बने, लेकिन उम्मीदें उनकी कौन सी है, जिन कामों को लेकर काम आगे कोई भी सरकार आए लेकिन उन कामों को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, अब तक बातें की चुनावों को लेकर कि भाई कौन जीता, क्या कुछ लूपोल्स रहे, क्या कमियां रही और पार्टी ने आखिर जीत क्यों हासिल की। उन सारी बातों से ऊपर उठकर अब जरा जान लेते हैं कि 2023 में विधायक कोई भी आए, किसी भी पार्टी का आए, लेकिन वो कौन से काम करवाएगा, वो कौन सी लिस्ट है जो यहाँ का आमजन चाहता है कि यहाँ पर पूरी हो और अभी तक पूरी नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी के समर्थक मौजूद है वो यहाँ की जनता भी है, तो पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जरा वो मुद्दे जान लेते हैं जो यहाँ पर अभी तक अधूरे। और शुरुआत में आम जनता से ही करना चाहूंगी, क्या कहेंगे यहाँ पर ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो सामने बैठी सरकारों को आप ये बताएं कि यहाँ का आमजन इसको लेकर परेशान है, कोई भी पार्टी आए लेकिन ये काम होना चाहिए। बेसिक नीड है बांदीकुई की पानी। उस पानी के लिए पिछले 5 वर्ष में जनता ने दुनिया भर के उग्र आंदोलन किए। आज जो पानी हर आदमी की नीड है, आज हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे, उस बेसिक नीड पर राजनीति हो रही है। उसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया उस पर? नहीं, किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। अब राजस्थान पानी का मुद्दा जो है वो यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या कहेंगे पानी के अलावा और कौन सी बात? देखिए, निश्चित रूप से ERCP एक इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का हो, हमारे पूरे क्षेत्र का मुद्दा है ERCP का। कि हमें से जो भी MLA आता है वो यही कहता है पुलिया बनवा दे, आज तक नहीं बनी। पुलिया बनवाने की जो मांग है वो यहाँ पर कही जा रही है, उसके अलावा कोई और मांग जिसको लेकर आप कहना चाहिए पूरी होनी चाहिए? बिजली की मांग। बिजली की क्या दिक्कत है? टाइम पर नहीं आती, टाइम पर नहीं आती। तो जो रियायतें कांग्रेस की ओर से दी गई है वो भी नहीं मिल रही? मिल रही होगी, मेरे पता नहीं। चलिए, और कोई ऐसी मांग जिसको लेकर आप कहना चाहेंगे कि यहाँ पर ये काम और ये जो मांग है जरूर पूरी हो? मैंने पानी की मांग होनी चाहिए पूरी। पानी, इसके अलावा? बिजली और पानी दोनों की मूलभूत आवश्यकता। ये मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा और कौन सी मांग है जो पूरी होनी चाहिए? ओवर ब्रिज की है मैडम, यहाँ पे ब्रिज की मांग एक नई मांग सामने आई है, कौन सी ऐसी मांग जिसको लेकर आप कहेंगे वो पूरी होनी चाहिए? सबसे पहले बांदीकुई में औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए। कॉलेज खोली है, कॉलेज में टीचर नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बिल्डिंग नहीं। टीचर्स की मांग कह सकते हैं, आप क्या कहेंगे गृहिणी होने के तौर पर यहाँ की आम जनता क्या चाहती है, कौन सी मांग है जो सरकार पूरी करे? गृहिणी होने के नाते मैं बताती हूँ कि हमें तो सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता पानी बिजली और मकान की होती है, तो हम तो यही चाहते हैं कि पानी मिले, बिजली मिले और रहे। क्या कहेंगे, कौन सी ऐसी मांग है जो यहाँ पर पूरी होनी? मैडम, हमारा कोलोना में रिको औद्योगिक है लेकिन आज तक कांग्रेस ने उसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया और औद्योगिक क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, इसके अलावा और कोई ऐसी मांग जिसको लेकर आप पूरक नहीं? बांदीकुई को जिला बनाना चाहिए था, जो कांग्रेस विधायक जिले का नाम तक नहीं भेजा। जिला बनाने की मांग यहाँ पर की जा रही है, उसके अलावा? मांग तो मुख्य मुद्दा तो यहाँ का पानी का ही है। पानी है, इसके अलावा? पानी की समस्या बहुत ज्यादा। पानी के अलावा कोई और ऐसा मुद्दा जिसको लेकर आप कहना चाहें कि पूरा होना? यहाँ इस क्षेत्र में रोजगार जो है बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था हो, इस किसी तरह के उद्योग लगे जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। ये है वो मांग जो हम जानना चाहते हैं, फर्स्ट इंडिया जानना चाहता है। पार्टीबाजी से ऊपर उठकर वो मांग बताइए, ना भाजपा के समर्थक है ना कांग्रेस के, वो बताइए कि कौन से काम हो सकते हैं और कोई मांग? रोजगार का मेन काम है जिससे लोगों को व्यापार मिले। और कोई मांग? मादक पदार्थ की बिक्री में बांदीकुई नंबर 1, बिजली नहीं आने में बांदीकुई नंबर 1, पानी नहीं आने में बांदीकुई 1 नंबर। जरा एक मुद्दा अगर मैं जानना चाहूँ बांदीकुई विधानसभा का, कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए आमजन? ये झूठे बातें कर रहे हैं, हमने ये करा 5 साल क्या 20 साल के अंदर समझ दिया, आज तक जीवन में उन्होंने कुछ नहीं किया। चलिए, अब वो मुद्दे मुझे बता दीजिए जिसको लेकर काम होना चाहिए। सिवर लाइन नहीं, एक तो
बसवा रोड पर ओवर ब्रिज बनना था, वो नहीं बना है, पिछले 5 साल से अटका पड़ा है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है मैडम, आगरा फाटक जो जो समस्या पूरे शहर को दो भागों में बांट रखा है। और तीसरी समस्या जो है यहाँ पर सबसे बड़ी है रोजगार की। कोई भी सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो आज तक इसका समाधान नहीं कर पाई है। बांदीकुई की मूलभूत जो आवश्यकता है ना, इस समय पानी की त्राहिमाम है, पानी को लेकर। हाँ बिल्कुल, पानी की है, पानी 10 दिन में आता है, खारा आ रहा है। बांदीकुई में खेल नगरी की थोड़ा खेलने खिलाड़ी बहुत निकले हैं, तो खेल के लिए मैं हम आगा नगरी के तौर पर चाहिए। बताइए कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम? विशेषकर पानी को लेकर के और जो बेरोजगार है उनको लेकर। और बेरोजगारी और कौन सा काम? गरीब आदमियों के लिए जो सेकंड कोच है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सब फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड। मुद्दा बताइए जिसको लेकर पानी का मुद्दे पर काम हो। बाकी का मुद्दा बताइए कौन सा? इधर से कहा मूलभूत सुविधाओं में जो मुद्दा सबसे बड़ा होता है पानी का मुद्दा। राजस्थान जैसी जगह पर, राजस्थान जैसे प्रदेश में पानी का मुद्दा ऑलमोस्ट हर जगह पर देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये माना जाए कि चुनाव होने से पहले कुछ ऐसे मुद्दे, 5 साल मौका कांग्रेस के पास भी था, 5 साल भाजपा के पास भी था और उससे पहले दो अलग पार्टियों का भी था, लेकिन ये माना जाए कि चुनावी मुद्दों को कहीं हद तक अधूरा इसलिए छोड़ा जाता है कि उनको आगे जाके वोट मांगने के लिए बरकरार रखा जाए, छोड़ा जाए उनको अधूरा छोड़ा जाए ताकि उन पर जनता को रिझाया जाए कि अब तक पानी को लेकर काम नहीं हुआ, अगर हमारी सरकार आएगी तो उसको लेकर काम होगा। सरकारें बदलती आई है, इतिहास लगातार एक जैसा रहा है, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी, लेकिन काम किसने किए? यहाँ से ओवरब्रिज को लेकर, फाटक को लेकर, रेलवे को लेकर, खेल नगरी के तौर पर बांदीकुई को विकसित होने को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे जो सामने आए। और तृप्ति कुछ ही ये कह सकते हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनावों में तस्वीर साफ करने का फैसला जनता का होगा, अंतिम फैसला जनता लेगी। लेकिन ये वो सियासी दावे हैं, वो सियासी बातें हैं जो हर जगह विधानसभाओं के इतने दौरे हमने करे, हर विधानसभा में लगभग हर जगह सामने आते। बिल्कुल डिंपल, जब बातचीत यहाँ पर की तो एक चीज तो साफ तौर पर सामने आ गई कि जितनी भी विधानसभाओं में हम घूमे हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे जरूर रह गए हैं जो वहाँ पर पूरे नहीं हुए। जनता से वादा जरूर किया गया था कि अगर आप हमें वोट देंगे तो ये काम पूरे होंगे, लेकिन जनता को रिझाया भी गया लेकिन वो काम पूरे नहीं हुए। या तो ऐसा हो सकता है कि सत्ता में आने से पहले वो सारे वादे उन्हें याद थे और सत्ता में आने के बाद वो सारे वादे वो भूल गए और अधूरे रह गए, जनता की उम्मीदें भी अधूरी रह गई और अब जनता के पास मौका है कि वो अपना आगे आने वाली अपनी सरकार को चुनेगी। कुछ ही दिन है, कह सकते हैं 1 से 1.5 महीना, और 1.5 महीने के बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता की कसौटी पर आखिर कौन खरा उतरा है। कह सकते हैं राजस्थान चुनाव जो है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प इसीलिए होने वाले हैं कि कितने कुछ काम जनता के पूरे हुए हैं और कितने कामों पर उम्मीद दी गई थी, ये सारी बातें जनता को याद है और अब उनके पास में चाबी है, उनके पास में वो मौका है कि वो आगे आने वाली सरकार को चुनेगी। और यही एक जो सवाल है वो सभी के मन में है कि आखिर अब राजस्थान की जो बागडोर है वो किसके हाथ में होगी। तो चलिए इस सफर को तो यहीं रोकते हैं फिलहाल, बढ़ते हैं हमारे आगे के सफर की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।